इसको राम कहते हैं। तुम पहले जो बताओ बैठ तो गए, तुम करत अपनी पत्नी से क्या नहीं? अच्छा दोई दोई हाथ करत जी। हमारे भैया है वास्तव में भगवान का समय नहीं, अपना भैया माना। अब जी हमें अपनो बहन माने चाहे नहीं माने, लेकिन हमें ने भज्जा माना, हम सभी को भैया माना। रानी जी हम जानते हैं, रानी जी हम आपको जानते हैं, फिर भी अपने बड़ी भौजाई माने। क्या बात है, मतलब हमें ने भज्जा माना जी, मैं भौजाई मानन की नियत देखो खराब है वास्तव में। कले होगा चल लो जो कले, यही से तो कह रहे सुनो। अरे जो अपनी पत्नी से प्यार करे उसको राम कहते हैं, जो अपनी पत्नी से प्यार करे उसको राम कहते हैं, और जो कई औरतों से प्यार करे उसको आसाराम कहते हैं। इसीलिए कहना है कि को परिगोचन तिरिया के झील में, कि को परिगोचन तिरिया नके तो आसाराम डरे जेल में, वो परिगोचन तिरियन के खेल में, आसाराम डरे जेल में। ये कह रहे हैं कि को परियो ना तिरियन के खेल में और आसाराम डरे जेल में, तो कहते हैं कि जो एक पत्नी से प्यार करता है उसे राम कहते हैं, जो एक पत्नी से प्यार करता है उसे राम कहते हैं, और जो 100 पत्नियों से प्यार करे उसे आसाराम कहते हैं। क्या बात है, लेकिन सुनो हम आओ के वो जो नहीं है, हम आओ के वो कछु और है, कहना है अरे आपकी दुनिया में कोई गम ना हो। अरे नरेंद्र जी आपकी दुनिया में कोई गम ना हो, आपकी खुशियाँ कभी कम ना हो। अरे आपकी दुनिया में कोई गम ना हो और आपकी खुशियाँ कभी कम ना हो, हे भगवान हमारे नरेंद्र को ऐसी गर्लफ्रेंड देना। मतलब जी हमें भौजाई माना सही से हम भगवान से दुआ कर रहे कि इन्हें ऐसी गर्लफ्रेंड दीजिए जी, मैं हमें मतलब जी भौजाई ना माने, अपने नहीं माने कहे प्रिया कैसी है राखी के। सुनो तो अरे कोई कम ना हो, आपकी खुशियाँ कभी कम ना हो, हे भगवान हमारे नरेंद्र भाई साहब को ऐसी घरवाई देना जो श्री देवी से कम ना हो। क्या बात, बजा दो भैया जोरदार ताली। और क्या बो
तेल में आसाराम।